तो चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या है बेसिकली कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल एक्स इज प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द टाइम, ठीक है, मतलब डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट टाइम टी का स्क्वायर, देन द पार्टिकल ट्रेवल विथ, मतलब पार्टिकल कैसी चल रही है उसके बारे में हमें निकालना है एक्सलेशन और वेलोसिटी। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालता हूँ तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू भी dx ओवर dt होता है। इसका एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो पावर वाला रूल लगा दो एक्स टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2kt, मतलब जो वेलोसिटी है वो एक वेरिएबल चीज़ है, ठीक है ना, वो वेलोसिटी वेरिएबल है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता था, तो ए भी वेरिएबल था, तो वेलोसिटी भी वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है। तो एक्सलेशन का क्या हाल है, तो निकाल लेते हैं एक्सलेशन। तो एक्सलेशन ए इज इक्वल टू डीवी ओवर डीटी, तो डीवी ओवर डीटी जब करोगे इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो आ जाएगा 2 टाइम्स kt, टाइम के रिस्पेक्ट में टी का 1 हो जाएगा तो ये 2 kt। तो एक्सलेशन कैसा आ गया, तो एक्सलेशन इसका कॉन्स्टेंट आ गया। अब तुम बड़े आराम से देख सकते हो कि इसका क्या चीज़ है, मतलब एक्सलेशन यूनिफॉर्म है, जी बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सलेशन इंक्रीज कर रहा है, जी बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज ए ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।